वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज नीलोफर नाइल एंड दिस इज वीडियो नंबर 10 फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो गाइज, आज की क्लास में हम थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन थे और इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था जेनेटिक्स में। ओके, थॉमस हंट मॉर्गन ने अपनी रिसर्च किसके ऊपर करी थी? फ्रूट फ्लाई के ऊपर करी थी। जैसे मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर करी थी ना, इन्होंने फ्रूट फ्लाई के ऊपर करी थी, जिसे क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। क्यों सिलेक्ट करा था? इसके बहुत सारे रीज़न हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वाई मॉर्गन सिलेक्टेड फ्रूट फ्लाई फॉर हिज एक्सपेरिमेंट एंड कौन कौन से ट्रेट इन्होंने इसके ऊपर फिर स्टडी करे। जैसे मेंडल ने करे थे ना पी प्लांट के ऊपर, हाइट ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द फ्लावर, शेप ऑफ द पोड, इसी तरह से इन्होंने भी कुछ ट्रेट स्टडी करे थे मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई के ऊपर में, जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आइए समझते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करें सो डैट यू गेट मोर वीडियोज़। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। ये प्रीवियस वीडियोज़ हैं इन चैप्टर की, अगर आपको देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एक बार प्लीज़ गोन थ्रू हो जाइए सो डैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टूडेज़ वीडियोज़। तो समझते हैं थॉमस हंट मॉर्गन कौन थे। थॉमस हंट मॉर्गन एक फील्ड में नहीं थे, वो बहुत सारी फील्ड में थे। आप उन्हें इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, वो जेनेटिस्ट भी थे, एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी थे और ऑथर भी रह चुके थे। थॉमस हंट मॉर्गन को अपनी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है फिजियोलॉजी में 1933 में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सूतन एंड बावरी की थ्योरी डिस्कस करी थी ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसे भी किसने वेरीफाई करा था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। ओके, मेंडल को तो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, लेकिन थॉमस हंट मॉर्गन क्या है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वर्ड अगर साथ में जुड़ जाए, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो आपको किस पर टिक लगाना है? थॉमस हंट मॉर्गन पे, अगर नीट में ये क्वेश्चन आता है। तो आइए समझते हैं वाई थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को क्यों सिलेक्ट करा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। आपको भी आइडिया हो जाएगा फ्यूचर में अगर आप साइंटिस्ट बनेंगे कि अपना जो ऑर्गेनिज्म है वो क्यों कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने भी क्या देखा फ्रूट फ्लाई में जो उन्होंने इसे सिलेक्ट कर लिया अपनी रिसर्च वर्क के लिए। एक तो फ्रूट फ्लाई जो है इजीली अवेलेबल है, ये कहीं पर भी होवरिंग करती हुई नज़र आ जाएगी, मैंगोज़ बनानास के ऊपर, ठीक है, ईजिली मिल जाती है। लेकिन ये इन फ्रूट्स के ऊपर अट्रैक्ट नहीं हो रही होती है एक्चुअली, इन फ्रूट्स पर कुछ सेल्स अगर लगी हुई होती है ना, ईस्ट सेल्स वगैरह, उस पर ये अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, एक तरह से फूड है ये ईस्ट सेल्स इनके लिए, न्यूट्रिएंट मीडियम है। ईस्ट सेल क्या होती है? सैक्रोमाइसिस एरिविसिया बोलते हैं इसको साइंटिफिकली नेम, और इसे बेकिंग ईस्ट और ब्रीवर ईस्ट भी बोलते हैं। तो जो फूड है वो देखा जाए फ्रूट फ्लाई का, वो क्या है? ईस्ट सेल है, जो मैंगोज अगर बनानास पे चिपकी रहती है तो वहाँ पर ये ड्रोसोफिला ईजिली हमें देखने को मिल जाती है, ईजिली अवेलेबल। अब कोई ऐसे प्लांट पे रिसर्च कर रहे हो जिसके नंबर बहुत कम है, वो मिल नहीं सकती, तो रिसर्च करना मुश्किल हो जाता है ना। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या था इसका प्लस? ये इजीली ग्रो कर सकते हैं किसी भी जार के अंदर, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट मीडियम दे दो। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या चाहिए? जैसे बनाना, मैश्ड बनाना दे दिया, सूजी दे दी, ईस्ट से दी, अगार अगार दे दिया, उस पर इसे ग्रो कर सकते हैं जार में, लैब के अंदर रख भी सकते हैं। ठीक है, स्पेस भी कम चाहिए। अब आपने एलिफेंट ला दिया या फिर टाइगर के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, उसको खाना कितना सारा लगे देना पड़ेगा, तो रिसर्च पर पैसा भी तो खर्च होएगा। ओके, तो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव प्लस पॉइंट क्या था? ये ईजिली ग्रो कर सकते हैं इसे। थर्ड इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट क्या था? इसका लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट था। ठीक है, जनरेशन इसकी 10-12 दिन बाद ही देखने को मिल जाती थी, तो इससे क्या है, इसकी जो मल्टीपल जनरेशन है, जीन्स कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कैसे इनहेरिटेंस होना कर रहे हैं, स्टडी करना इजी हो जाता है। ओके, तो लाइफ स्पेन जो इसका शॉर्ट है और इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमें 10-12 दिन बाद ही देखने को मिल जाती है। ओके, फोर्थ प्लस पॉइंट क्या था इसका? फोर्थ फिफ्थ, जो इसकी एक सिंगल मेटिंग है उससे कम से कम एटलीस्ट 100 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, जिससे जो है कैलकुलेशन वगैरह इजी हो जाता है, जीन्स कितने किस में जा रहे हैं ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, अगर एक दो में क्या पता चलता है, मे बी वो रिपीट हो जाए। ठीक है, रिपीटेशन नहीं होती, मतलब पता नहीं, वेरिएशन स्टडी करने को नहीं मिलती, जीन्स ट्रांसमिट कैसे हो रहे हैं। 100 ऑफस्प्रिंग में कुछ ना कुछ तो डाटा आएगा, डेटा हमें देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी? इसका जो साइज था बॉडी का वो काफ़ी स्मॉल था, तो उनकी हैंडलिंग इजी थी। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसका प्लस पॉइंट था फ्रूट फ्लाई का, वो क्या था? ये मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट थे, मतलब डाइमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते थे वो। मेल वाला जो था वो डार्क इन कलर था और स्मॉल इन साइज था,
ठीक है, जो मेल वाले फ्रूट फ्लाई है वो डार्क इन कलर और स्मॉल इन साइज, और फीमेल वाला था वो लाइट इन कलर और फेयर लाइट इन कलर। तो मतलब देख कर बता सकते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल सेम ही होते हैं, आप डिफरेंस ही नहीं बता सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो ये डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते थे, तो उन्हें देख के बता सकते थे कि ये फीमेल है और ये मेल है, तभी तो मेटिंग करा पाओगे। और ये नॉन पॉइजनस एनिमल थे, हैंडलिंग ईजी हो गई ना इनकी। नॉन अगर पॉइजनस ले लिया तो फिर उसको हैंडल करना, उस पर रिसर्च करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जो इसका क्रोमोजोम के नंबर थे वो कम थे, ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इट हैज़। 1 पेयर वी कॉल सेक्स क्रोमोजोम एंड द सेकेंड थर्ड फोर्थ पेयर इज ऑटोसोम। ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्रोमोजोम के नंबर कम होंगे उनका बिहेवियर स्टडी करना, कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं कैसे कैरेक्टर्स जा रहे हैं उनको स्टडी करना ईजी हो जाएगा ना। तो जो उसके क्रोमोजोम पेयर थे वो भी सिर्फ 4 थे फ्रूट फ्लाई में। ठीक है, तो ये तो थे सारे रीज़न जो हमने डिस्कस करे मॉर्गन ने क्यों फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट करा। आइए एक बार फिर से ज़रा रिकैप कर लेते हैं। एक तो ये इजीली अवेलेबल है फ्रूट फ्लाई, और इजीली ग्रो कर सकते हैं इसे जार में लिटिल अमाउंट ऑफ न्यूट्री मीडियम दे के। ठीक है, लाइफ स्पेन भी शॉर्ट है तो उसकी जनरेशन काफ़ी स्टडी कर सकते हैं हम जितना चाहें। सिंगल मेटिंग से ही 100 ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं, तो मतलब हमें पता चल जाता है जीन्स कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। इसका साइज़ भी काफ़ी स्मॉल है तो हैंडलिंग ईजी हो जाती है। मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, और 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है ओनली, तो स्टडी करना डीएनए कंटेंट कैसे ट्रांसमिट हो रहा है वो भी ईजी है। अगर ज़्यादा क्रोमोजोम होंगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा ना स्टडी करना कौन सा किसके साथ सॉर्ट हो रहा है। ओके, अब समझते हैं मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई के अंदर कौन से ट्रेट को स्टडी करा। ठीक है, सबसे पहला ट्रेट क्या था, कलर ऑफ बॉडी। 2 तरह के कलर देखने को मिलते थे फ्रूट फ्लाई में, एक तो ब्राउन और एक येल्लो। ठीक है, ये तो फिनोटाइप जो हम देख के बता सकते हैं, है ना, येल्लो और ब्राउन फिनोटाइप हो गया इसका देख के बता। जो येल्लो वाला था वो रेसेसिव था, और ब्राउन वाला क्या था हमारा, डोमिनेंट था। ठीक है, जीनोटाइप की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, थॉमस एंड मॉर्गन ने जो है कुछ अलग स्टाइल अपना यूज़ करा जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो रेसेसिव वाला था ना वो येल्लो, येल्लो का वाई लेटर ले लिया उनने। ठीक है, मेंडल तो डोमिनेंट वाला लेता था, इनने रेसेसिव का लिया वाई। ठीक है, स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर दिया उसे। डोमिनेंट में उसने क्या करा, वाई के आगे प्लस लगा दिया छोटा सा। ठीक है, ये प्लस साइन दिख रहा है ना, होमोजाइगस और हेटरोजाइगस दोनों में उसने शो करा, डोमिनेंट वाला में प्लस है और रेसेसिव वाले में प्लस नहीं है। ओके, दूसरा ट्रेट क्या स्टडी करा उसने, कलर ऑफ आई। 2 तरह के कलर देखने को मिलते थे फ्रूट फ्लाई में आईज़ के, एक तो रेड और एक वाइट। जो रेड वाला था वो डोमिनेंट था, और जो वाइट वाला था वो रेसेसिव था। अब जीनोटाइप की रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे होगी, वाइट वाले को तो उन्होंने WW ले लिया क्योंकि रेसेसिव वाला सिंबल यूज़ कर रहा है ना, और जो डोमिनेंट था उसके आगे छोटा सा प्लस प्लस का साइन लगा दिया। ओके, तीसरा ट्रेट क्या स्टडी करा था उसने, साइज़ ऑफ विंग्स। विंग्स भी 2 तरह के देखने को मिले थे, कुछ के पास लार्ज थे मिनिएचर मतलब छोटे, जो रेसेसिव वाला था वो मिनिएचर था और लार्ज वाला डोमिनेंट था। रेसेसिव के लिए उनने सिंबल MM ले लिया। ठीक है, और जो डोमिनेंट था उसके आगे छोटा सा प्लस प्लस का साइन लगा दिया। दोनों फॉर्म को रिप्रेजेंट करके दिखाया है, ये होमोजाइगस में भी हो सकता है हेटरोजाइगस, क्योंकि डोमिनेंट की एक सिंगल फॉर्म ही इसको रिप्रेजेंट कर देती है ना। ओके, तो ये तो सारे ट्रेड स्टडी करे थे मॉर्गन ने, अब एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ठीक है, ड्रोसोफिला के पास तो विंग्स हैं उड़ने के लिए, बट मेरा चैनल जब भी फ्लाई करेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे जगह जगह तक पहुँचेगा। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ स्टडी हार्ड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स।